एडवांस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एट क्लास के इंग्लिश में जो पेपर में जो दी जाती है उसमें से एक कंपोजिशन के तौर पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो ग्रामेटिकली पोर्शन है ग्रामर का एक भाग है उसके बारे में जानेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो शब्द होते हैं जिनमें कोई एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उस सेंटेंस के बाद में उस क्वेश्चन को करने के लिए उसके एनिंग वर्ड को डिनोट किया जाता है एक वर्ड से। वो कौन सा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर समझिए ए पर्सन who box of iron एक व्यक्ति जो लोहे का काम करता है उसे कहते हैं आयरनिस्ट। उसी प्रकार a person who works of gold or jewelry एक व्यक्ति जो ज्वेलरी बनाने का काम करता है या सोने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? गोल्ड डिस्ट्रिक्ट। लेसन के लिए भी यही आता है कि एक प्लेस एक वो जगह वी आर टू गो देयर हम वहां जाते हैं एंड सी द मूवी और फिल्म देखते हैं। तो यहाँ सी दिया हुआ है तो आपको सिनेमा लिखना है सिनेमा का एक प्लेस एक जगह where students go and study. Students जाते हैं और जाकर पढ़ाई करते हैं। As दिया हुआ इसका मतलब स्कूल है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ यहाँ पे उन्हें आपको हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पर्सन who works of wood see me again question number second a place where people go for morning walk. फिर यहाँ पे ई दे दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड a place where people go and see movie see area question number 4 a man who teaches student in area question number 5 a place where trees that एक पर्सन
यहाँ पे एच दे दिया। अब देखिए इनको, एक पर्सन एक व्यक्ति जो लकड़ी का काम करता है, सी दे दिया, कारपेंटर लिखना कारपेंटर। दूसरे क्वेश्चन में देखो, एक प्लेस एक जगह वेयर पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, एक वो जगह जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं घूमने के लिए सुबह के समय में, पी दे दिया, तो वहां पे पार्क लिखना आपको। ये वाला क्वेश्चन इसमें अगर पी की जगह जी आए तो आपको फिर गार्डन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ए प्लेस एक वो जगह वेयर पीपल गो एंड सी मूवी, एक वो जगह जहाँ लोग जाते हैं और जाकर फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सिनेमा सिनेमा की बात कर रहे हैं। तो देखो, ए मैन एक को आदमी वो टीचर स्टूडेंट जो जो स्टूडेंट्स को विद्यार्थियों को पढ़ने का काम करता है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पता है कि सी लिखा हुआ है, इसका मतलब टीचर टीचर लिखे हैं। ए प्लेस एक वो जगह वेयर फीड द इन पर्सन, एक वो जगह जहाँ पे इन पर्सन का इलाज होता है, ट्रीट किया जाता है, हमें ठीक किया जाता है, उसके लिए एड किया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे आएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल। ठीक, ये तो एक हो गया। तीन वाले में आओ, क्वेश्चन नंबर एंटोनियम, कई बार पेपर में आपको इस तरह से दिया जाता है कि इसी का अपोजिट पूछना है, एंटोनियम पूछना है, तो वो चार ऑप्शन देता है आपको, एक वर्ड लिख दिया इसका अपोजिट क्या है, हैप्पी लिखा हुआ है, फिर वहां पे आगे लिख दिया अनहैप्पी, डी में लिख दिया क्लियर, सी में लिख दिया कम, और डी में लिख दिया ब्रेड। इसका मतलब हैप्पी का तो अनहैप्पी होता है, तो वो अपोजिट वाले में ए सही है। एक तरीका दूसरा है, डायरेक्ट वो आपको कोई वर्ड दे देता है, जैसे इसका एंटोनियम होता है, ठीक है, तो कुछ एंटोनियम अपोजिट के बारे में जाने, एच ए डबल पी वाई हैप्पी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आप यहाँ देखो अपोजिट एंटोनियम, हैप्पी मींस खुश, तो हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी, अनहैप्पी लिख देना आप खुश और ना खुश। मोर मींस होता है ज्यादा, तो यहाँ लिख देना आगे सम, मोर मींस ज्यादा तो सम मींस खुश। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रफ मींस होता है उतरा, तो इसका आपको अपोजिट लिखना है रफ का स्मूथ, एस एम डब्ल्यू टी एच स्मूथ, फिर यहाँ पे ये अप मींस ऊपर होता है, तो इसका हो जाएगा डाउन, डाउन मींस नीचे, फिर में देखिए हाई मींस ऊंचा, एम ओ डब्ल्यू लो मींस नीचा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड और सी वाला
थिएटर, थिएटर तो थिएटर अपने आप में भी परिवर्तन वाले शब्द है। थिएटर में अपने आप में वो किस शब्द अपोजिट ही होता है, इसी का अपोजिट होता है। देखिए इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरा UNCLE, क्वेश्चन नंबर थर्ड HORSE, क्वेश्चन नंबर फोर BROTSER, क्वेश्चन नंबर SON, यहां पे देख लिया आप जेंडर या इन्हें कहे एंटोनियम या फिर कहें अपोजिट। लिबर्टी पोर्शन में एक ऐसा क्वेश्चन जो अपोजिट के हिसाब से दूसरे तरीके से जेंडर में पूछा जाता है, पहला एन ई पी एच ई डब्ल्यू नेक्स्ट गेट मींस पिज्जा होता है, तो नाइस को कहते हैं, तो एम आई सी नाइस में तो सुंदर होता है, ठीक है। मिलती जुलती एच से ई का ही फर्क है, एन आई ई सी टी नाइस, नाइस मींस यहाँ पे वो अंकल, अंकल का हो जाएगा आन ए यू एन टी आन, हर करे वो हॉर्स, हॉर्स मींस घोड़ा होता है, तो एन ए आर ई ए एयर मींस घोड़ी होता है। फोर्थ में देंगे ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर मींस भाई होता है, तो इसका सिस्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में सन, सन मींस बेटा होता है, डॉटर मींस बेटी होता है। ये क्वेश्चन आपको ओपी में करना है, ये आंसर देना है, मैंने आपको पिछले तरीका बता दिया आपको किस तरह करना है। दोबारा देख लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, एक शब्दार्थ मुझे कहते हैं, सेंटेंस आपको दिया होगा और सेंटेंस देने के बाद में वो आपको हेल्प के लिए एक ऐसा लेटर लिख देगा, एक अक्षर लिख देगा जिसकी आपको पहचान करके उसका सही उत्तर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। एक पार्ट बाकी, एक पर्सन टू पार्ट्स ऑफ गुड, एक व्यक्ति जो बाकी का काम करता है, सी दिया और जाकर फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, सिनेमा, सिनेमा का क्या एक मैन, एक आदमी टू टीचर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करता है, ठीक किया हुआ आपको पता लग जाएगा कि टीचर की बात कर रहा है, टीचर टीचर। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए प्लेस एक जगह वेयर ट्रीट द इन पर्सन, जहाँ पे मरीज लोगों का इलाज किया जाता है, नर्सिंग किया जाता है, नर्सिंग किया तो यहाँ पे हॉस्पिटल। अपोजिट्स में देखो एंटोनियम अपोजिट्स का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उल्टा पूछ रहा है, ऊपर तो इसका हो जाएगा डाउन, डाउन मींस
क्वेश्चन नंबर 5 आई आई मींस ऊंचा तो एल ओ डब्ल्यू लो मींस ऊंचा क्वेश्चन नंबर 5 जेंडर वाले में एंटोनियम है अपने आप में अपोजिट भी है अपने आप में जेंडर वाला क्वेश्चन लिंग परिवर्तन वाला नेक मींस भतीजा होता है एन आई ई सी ई नाइस नाइस मींस भतीजी होता है सेकंड में देखिए यू एन सी एच ई अंकल अंकल मींस चाचा होता है तो आंट या आंटी होता है तो बेटी के लिए